दोस्तों फिल्म गद्दर 2 की सक्सेस पार्टी में पूरी देओल फैमिली एक साथ एंजॉय करती नजर आई और इस दौरान सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर भी काफी कुछ कहते नजर आए, बताएंगे और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर गद्दर 2 की सक्सेस पार्टी में कौन कौन पहुंचा। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों फिलहाल फिल्म गद्दर 2 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 550 करोड़ का बड़ा बिजनेस कर लिया है और भारत में भी फिल्म ने 450 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अब इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद सेलिब्रेशन पार्टी तो होनी ही थी। बता दें इस पार्टी में सनी देओल की छोटी मां हेमा मालिनी भी सज धज के पहुंची। इतना ही नहीं बल्कि सनी देओल की बहन ईशा देओल भी पार्टी में नजर आई। अब पूरी देओल फैमिली के अलावा गद्दर 2 की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी देखने को मिले। जी हां, एक वीडियो फिलहाल काफी वायरल हो रहा है जिसमें संजय दत्त किसी पार्टी में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान संजय दत्त के साथ देओल फैमिली का कोई भी सदस्य वीडियो में देखने को नहीं मिला। वहीं इस सेलिब्रेशन पार्टी में सनी देओल ने अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर कहा कि फिलहाल जल्द ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी तक आधी स्टार कास्ट तो फाइनल हो चुकी है, जैसे ही पूरी स्टार कास्ट फाइनल होती है वैसे ही फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों बॉर्डर 2 को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।